सिस्टर ज़ेफ के नाम से इनको जाना जाता है और पाकिस्तान का जो तालीमी शोबा है उसके लिए इनकी काबिले कदर खिदमात हैं। काफी है। इन्होंने बिल्कुल और एक अवार्ड है जी ग्लोबल टीचर प्राइज 2023 वो भी इन्होंने अपने नाम किया। क्या बात। इसके अलावा ये ओवरऑल जर्नी इनका कैसा रहा इनसे बात कर लेते हैं। सिस्टर ज़ेफ थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो अपने जर्नी के बारे में बताइए जरा। बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया कि आपके चैनल पे आके मैं सब लोगों के साथ अपनी जर्नी को शेयर कर सकूं। एंड मेरे सफर का आगाज हुआ था 1997 में जब मैं 13 साल की थी और किसी वजह से मुझे अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। लेकिन मैं तालीम नहीं छोड़ना चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं अपनी तालीम को जारी रखूँ। इसलिए मैंने अपने घर के सहन में 2-4 बच्चों को जमा किया। उस वक्त ना तो इंटरनेट था, टीवी भी कलर टीवी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे एरिया में, लड़कियों की तालीम ना होने के बराबर थी। तो मैंने अपनी जो मेरी फ्रेंड्स थी उनको ही मैंने घर के सहन में जमा किया और मैंने उनको बोला कि आपने मेरे से सवाल पूछने हैं, जो भी आपके जहन में आए आपने मेरे से सवाल पूछने हैं। तो उन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते मैं फिर टीचर बन गई। वाह वाह वाह, और क्या बात है। एक दर्जी की बेटी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे, आगे पीछे कोई इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था। तो आप पूरे पाकिस्तान की बेटी हैं, आपने पूरे पाकिस्तान का जो सर है फखर से बुलंद किया। थैंक यू। अब हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपका जो सही नाम है वो रिफत है और ये कहिएगा कि लेकिन मैंने कभी इसका इकरार नहीं किया कि मेरा वो नाम जो है वो लिया जाए। मुझे अच्छा लगता है जब सब लोग मुझे सिस्टर ज़ेफ कहते हैं। हां जी, मेरा सवाल ये था, यही सवाल है बेसिकली कि व्हाई सिस्टर ज़ेफ और ये सिस्टर ज़ेफ की क्या स्टोरी है। सिस्टर ज़ेफ, मैंने अपने आप को ज़ेफ जो है ज़ेफ़निया है बेसिकली, ये ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में इसका एक प्रॉफिट थे उनका नाम है और इसका मतलब है प्रोटेक्टेड बाय गॉड। वहां से मैंने ये नाम लिया था। okay. और सिस्टर ज़ेफ मैंने अपना नाम इसलिए रखा बिकॉज इससे मुझे जब लोग मुझे सिस्टर बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा उनके साथ एक करीबी रिश्ता है और उससे हम ज्यादा मिलके काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा तब्दीली आती है जब हमारा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एक दूसरे के साथ बन जाता है। तो इसलिए मैंने अपना नाम सिस्टर ज़ेफ रखा था और मुझे अच्छा लगता है जब सब लोग मुझे सिस्टर ज़ेफ कहते हैं। अच्छा, सिस्टर ज़ेफ आप अपना कोई इदारा भी चला रही है, कोई फाउंडेशन है आपकी ZWE के नाम से, उसके बारे में बताएं और कितने स्कूल हैं। ZWE फाउंडेशन है, स्टैंड्स फॉर ज़ेफ़निया वुमेन्स एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट फाउंडेशन। इसको मैंने 2015 में एस्टैब्लिश किया था बिकॉज अब हमारे पास सालाना 200 खवातीन बहुत सारे हुनर सीख के जाती हैं। जो मेरा मेन फोकस है वो है IT एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज, ताकि जो पूरी दुनिया का नॉलेज है उस तक जो रूरल वुमेन है उनकी एक्सेस हो सके। और साथ में हमारा जो है स्कूल, दो स्कूल हैं जहाँ पे 250 बच्चे हैं, उनको हम 100% फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। और जब मैंने घर के सहन से आगाज किया था 1997 में, तब से लेके अभी तक फ्री एजुकेशन ही मैं दे रही हूँ। पहले को 15-16 सालों तक मुझे 8 घंटे रोजाना काम करना पड़ा, मैंने शर्ट्स के ऊपर कढ़ाई करके 10 रुपए उसके मिलते थे, वहां से मैंने आगाज किया। और 2017 में मैंने अपनी लास्ट जॉब से रिजाइन किया PTCL से। तो मैं इतने सालों तक काम करके तो अपने स्कूल को फंड करती रही हूँ। कितनी जागती मोटिवेशनल स्टोरी है आप सबके लिए और सब खवातीन के लिए। आप ये भी बताइएगा कि आपको ग्लोबल टीचर प्राइज 2023 जो है उसे नवाजा जा चुका है, इस अवार्ड के बारे में बताइए कि कितनी अहमियत का हामिल है ये अवार्ड और इसको हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसको हासिल करने के लिए अपना बचपन, अपनी यूथ, सब कुछ अपने मिशन के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है और आपको हर लेवल तक हर किस्म के चैलेंज को फेस करना पड़ता है। अपने मुल्क के लिए कुछ करने के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने नौजवानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, और यही मैंने किया। 26 साल मैंने अपनी जिंदगी के इसको दिए और मैं हमेशा पढ़ाना चाहती हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ। और मेरा मकसद अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं उनको एजुकेट करना है। और फिर ये मुकाबला होता है उन टीचर्स के दरमियान, जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए किया हो। इस दफा 7,000 टीचर्स थी 130 मुल्कों से और उनमें से पहले टॉप 50 को लिया गया, फिर टॉप 10 को लिया गया, टॉप 10 को। अच्छा, आई बात मुकम्मल करने से पहले मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। आपको लग रहा था कि आप ये अवार्ड जीत लेंगी? जब तक मैं यहाँ पे थी तब तक तो मुझे मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब मैं वहां पे पहुंची तो मुझे पता था कि जो मेरी स्टोरी है या जो मेरी स्ट्रगल है वो कुछ और टाइप की है। अगर ऑब्वियसली बड़े एक्स्ट्रॉर्डिनरी टीचर्स थे
लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जिसने विदाउट एनी सपोर्ट 13 साल की उम्र में घर के सहन से स्कूल का आगाज किया और फिर खुद ही उसको कई सालों तक फंड किया और 26 साल तक उस पर काम करता रहा हो और उसकी जो स्ट्रगल है वो बहुत ज्यादा विजिबल हो। सिस्टर ज़ैफ, अभी आपने बताया कि आप एक दर्जी की बेटी हैं, तो ये कहिएगा कि अब जब आपने ये अवार्ड अपने नाम किया और जो ड्रीम आपने देखा आप उसको अचीव कर रही हैं, उस ख्वाब को जी रही हैं, अब कैसा महसूस होता है और आपके पेरेंट्स कैसा फील करते हैं जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, जब आप वहाँ विजिट करती हैं इर्द गिर्द के लोग कैसे अप्रिशिएट करते हैं आपको? मेरा जो ऑफिस है वो फूलों से भरा हुआ है, मिठाइयों से भरा हुआ है और बहुत सारे लोग हैं जो फोन कर करके टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारा मीडिया आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुबारकबाद दी, आपने शायद देखा होगा मियां शहबाज शरीफ साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, तो पूरा मुल्क जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस अवार्ड को लेके यूनाइटेड हो गया है एंड एवरीबॉडी इज सेलिब्रेटिंग दिस सक्सेस। तो अच्छा। ये बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, मेरे फादर बहुत प्राउड हैं। एंड आपने तो इस मिसाल को सच कर दिखाया, कहा जाता है कि आप अगर आप एक खातून को अगर एजुकेट करते हैं तो आप पूरे माशरे को, पूरे खानदान को एजुकेट करते हैं, तो ये आपके ऊपर बिल्कुल सेट होती है। आपने मुस्तकबिल के लिए क्या सोचा है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्योंकि अभी तो माशाल्लाह से पूरी दुनिया आपको जान रही है, पाकिस्तान के लोग आपको पसंद कर रहे हैं और आपकी जो स्टोरी है वो बड़ी दिल पर लगने वाली स्टोरी भी है, आपने इतनी मेहनत की, इसके लिए मोटिवेशन कैसे आई ये भी बताएं। बहुत कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। मोटिवेशन इस तरह से आई कि जब मैं 7th स्टैंडर्ड में मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा तो वहां पे टीचर्स जो है उनका रवैया ठीक नहीं था, तो मैं सवाल पूछती थी, उनको सवाल पूछना जो है वो अच्छा नहीं लगता था, तो फिर मैंने इसी चीज को लेके मैं चली कि जब बच्चे उनसे अब सवाल पूछने का हक छीन लेते हैं तो उनकी लर्निंग वहां पे स्टॉप हो जाती है। और मुझे लगता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है हम फॉलोवर्स बना रहे हैं, हम लीडर्स नहीं बना रहे हैं। अगर हमने दुनिया में कोई मुकाम हासिल करना है तो हमने लीडर्स बनाने हैं, हमने अपने स्कूलों से लीडर्स निकालने हैं। तो इस विजन को लेके मैं चली और अभी तक मैं उस पर कायम हूँ। एंड आपका जो क्वेश्चन इसके काफी ज्यादा उसके हिस्से थे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। फ्यूचर मेरा ये है कि फ्यूचर प्लान ये है कि मेरा बचपन से ये ख्वाब है कि मेरे पास एक ड्रीम स्कूल मैं बनाना चाहती हूँ, उसका मैंने नाम ड्रीम स्कूल रखा हुआ है, जहाँ पे 2000 बच्चों को मैं लेके आना चाहती हूँ पूरे मुल्क से, गरीब तरीन बच्चों को लेके आना चाहती हूँ, बिकॉज मैं एक देहाती हूँ, मेरा खानदान इतना पढ़ा लिखा नहीं था, मैं गरीब खानदान से ताल्लुक रखती हूँ, अगर मैं इस लेवल पे जाके पूरी दुनिया के टीचर्स के साथ कम्पीट कर सकती हूँ और विन कर सकती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपका कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपने दुनिया में कुछ चेंज लेके आना, तो आप एक बहुत बड़े स्कूल में जाएं। मैं चाहता हूँ कि जाते जाते आपसे कोई टिप्स ले लिए जाएं जो हमारे और हमारी जो तालीमी शोबा है उनके जो माहरीन हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, उनके काम आ सके। ये बताइएगा कि आप खुद उस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से आपका ताल्लुक है जो अंडर प्रिविलेज रहा, जैसा कि आपने बताया कि आपको खुद पढ़ाई के दौरान कई मसाइल का सामना करना पड़ा, तो किस तरह का निजाम तालीम होना चाहिए जिसकी जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान को? एक तो बच्चों को इजाजत दें कि वो सवाल पूछें और उनके जवाब ढूंढने में उनकी हेल्प करें, बच्चों को किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट ना करें, उनको रिस्पेक्ट दें, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, उनको उनके ख्वाबों को पहचानने में उनकी हेल्प करें और फिर उनको अचीव करने के लिए जिस रास्ते पे उन्होंने चलना है उनकी रहनुमाई करें। सिस्टर ज़ैफ, बहुत शुक्रिया, बड़ा जबरदस्त मैसेज आपने दिया और हमारी दुआएं, हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं कि आपने जिस नेक सफर का आगाज, आप वो मंजिलें बाखूबी तय करती जाएं, पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन करें, क्योंकि बहुत जरूरत है। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात और वाकयात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।